की लड़की की ड्रेस पर सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया। लोग लड़की के सही या गलत पर आपस में भिड़े हुए हैं। उर्फी जावेद की तरह कपड़े पहनने को लेकर इसके पक्ष और विपक्ष में खूब बातें हो रही हैं। अब इस बीच ट्विटर पर भूचाल का कारण बनी लड़की ने सामने आकर अपना पक्ष भी रखा है। लड़की का नाम रिदम चनाना है और उन्होंने इसे अपनी आजादी से जोड़ा है। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में चनाना ने कहा, ये मेरी आजादी का मसला है, चाहे मैं कैसे कपड़े पहनूं। चनाना ने कहा, मैं ये पब्लिसिटी या मशहूर होने के लिए नहीं कर रही हूँ, लोग क्या कर रहे हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो उर्फी जावेद से प्रभावित है, तो उन्होंने कहा, मैं उर्फी जावेद से प्रभावित नहीं हूँ, मुझे तो हाल में ये तक नहीं पता था कि वो कौन है। कुछ दिन पहले मेरे दोस्त ने उनकी तस्वीर दिखाई, तब पता चला। हालांकि चनाना ने कहा कि उनकी पसंद से उनके घर वाले काफी नाराज हैं, उनके पड़ोसी उसे रोज धमकी देते हैं, लेकिन कुछ लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चनाना के कपड़ों को लेकर डीएमआरसी ने एक बयान भी जारी किया था और कहा था कि ऐसे कपड़े पहनने वालों पर कार्रवाई हो सकती है। इस बारे में पूछने पर चनाना ने कहा कि दिल्ली मेट्रो के अंदर तो वीडियोग्राफी पॉलिसी भी नहीं है, डीएमआरसी खुद अपने नियम को भूल जा रहा है। अगर मेरे कपड़ों से दिक्कत है तो उनको उन लोगों से भी दिक्कत होनी चाहिए जिन्होंने ये वीडियो शूट किया। पंजाब के फरीदकोट से आने वाली 19 साल की चनाना ने कहा कि उनके ऐसे कपड़े पहनने की आदत एक दिन में नहीं आई, बल्कि इसके पीछे एक लंबी कहानी है। उन्होंने कहा, मैं एक रूढ़िवादी परिवार से आती हूँ, यहाँ मुझे अपने मन में काम करने की आजादी नहीं होती। एक दिन मैंने तय किया कि मैं वही करूंगी जो मेरा मन कहेगा। मैं ऐसे कपड़े में कई महीने से ट्रेवल कर रही हूँ, ये ड्रेस तो अभी वायरल हुई है। मुझे दिल्ली की पिंक लाइन मेट्रो में यात्रा की इजाजत नहीं मिली, लेकिन अन्य लाइन में मुझे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। ये पूछने पर कि ऐसे कपड़े पहनने पर सुरक्षा की चिंता होती है, इस पर रिदम चनाना ने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कमेंट और छेड़छाड़ की बातें तो होती हैं, लेकिन इसे मैं इग्नोर करती हूँ।